अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एएच रेफ्रिजरेशन एंड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ग्लो प्लग है। तो अगर आपका ग्लो प्लग ख़राब हो जाए तो इसको किस तरीके से टेस्ट किया जाता है कि ये ठीक है या ख़राब है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास मीटर है, मल्टी मीटर है। तो सबसे पहले इसको मैं कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेता हूँ और इसके दोनों पॉइंट जो हैं इनको आपस में जोड़ के चेक कर लेते हैं कि हमारी लाइनें ठीक हैं। तो हमारी लाइनें भी ठीक हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक प्लग है। तो इसका एक, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका एक सिरा ये पीछे होता है बारीक, और दूसरा सिरा इसका जो होता है ये चूड़ी वाला होता है। तो मैं एक सिरा प्लस का इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और माइनस का इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा मीटर जो है वो शो कर रहा है जी 1.0, 0.9। तो ये हमारा प्लग जो है बिल्कुल ओके है। तो अब मैं इसको लगा के चेक करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा जी, तो दोस्तों ये हमारा प्लग जो है ये ख़राब है, ये अंदर से ख़राब हो गया है, जल गया है। तो सिंपली इसको चेक करने का ये तरीका है। इसके अलावा हम दूसरा मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जो कि एक बैटरी का होता है। तो मैं इसके साथ एक वायर कनेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा सही वाला ग्लो प्लग है। तो इसके साथ मैंने तार को कनेक्ट कर लिया है और ये 12 वोल्ट की बैटरी पे हम इस तरह लगाएंगे कि हमने एक तार इधर लगानी है और दूसरा ये सिरा इसके साथ टच नहीं करना, बल्कि ये साइड, आगे वाली साइड इसके साथ टच करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो है प्लग ऑन हो गया है, इससे धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो थोड़ी देर में ये हीट देना भी शुरू कर देगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये पूरी तरह हीट हो चुका है। तो ये हमारा प्लग बिल्कुल ओके है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी टेस्ट कर लेता हूँ जो हमारा ख़राब है, जिस पे मीटर हमारा शो नहीं कर रहा है। तो इसका नट जो है ये भी मैं लगा लेता हूँ। और इसके साथ तार कनेक्ट करके इसको भी ऑन करके चेक करते हैं। तो इसको भी वैसे ही उसी तरीकाकार की मदद से मैंने यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर लेना है। तो तकरीबन कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्पार्क तो नहीं दे रहा है और वैसे भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा प्लग बिल्कुल ख़राब है अंदर से। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।